हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको भाजी काटने का तरीका बताऊंगी। देखिए, ये इतने बड़े बड़े डंठल रहते हैं इसके। कभी कभी छोटी बारीक भी कट मिल जाती है, लेकिन कभी कभी बड़ी ही भाजी मिलती है। तो इसके डंठल आप निकाल दीजिए। भाजी के डंठल निकालने के बाद भाजी को बारीक काटा जाता है। चने की भाजी के यदि डंठल उसी में बने रहे तो वो भाजी टेस्टी नहीं बनती है और नरम भी नहीं बनती है, जिसके कारण से भाजी के डंठल पर हमेशा निकाल दिए जाते हैं। कभी भाजी को अच्छे से साफ साफ कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। कभी कभार भाजी में इल्ली भी लग जाती हैं, जिसके कारण से यदि साफ ना किया जाए तो उसमें इल्ली भी कट जाती हैं भाजी के साथ में। ये देखिए, मैंने छोटे छोटे बारीक बारीक काट लिए हैं और इनके डंठल सभी के निकालती जा रही हूँ। देखिए, मैंने ये भाजी सारी भाजी बारीक बारीक काट ली है और इसके सारे डंठल निकाल लिए हैं। अब मैं आपको काटने का तरीका बताऊंगी। ये देखिए, इस तरह से भाजी को ले ली, बीच से इसको 2 पीस में कर दिया और इसको अच्छे से दबाकर भाजी को चारों तरफ से, ये देखिए, चारों तरफ से अच्छे से इसको दबा दबा लेते हैं ताकि इसके डंठल निकले ना। बहुत ही बारीक तरीके से काटा जाता है। ये देखिए, इसको दबा दबा के इसमें स्पेस नहीं लिया जाता। ये देखिए, बहुत ही बारीक तरीके से काटा जाता है। ये देखिए, ये देखिए कितनी महीन आ रही है। जितनी महीन भाजी इसकी काटी जाती है उतनी ही नरम बनती है भाजी और उतना ही अच्छा टेस्ट आता है भाजी। ये देखिए, ये भाजी मैंने काट रखी है। इसमें कितने भी महीन तरीके से काटो, लेकिन छोटे छोटे डंठल इसमें पहुंच ही जाते हैं और उनके बीन करके आप अलग कर दीजिए। महीन महीन भाजी अलग कर लीजिए। देखिए, इसमें छोटे छोटे डंठल कभी कभी चले जाते हैं। ये देखिए,